नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे मलबे का मालिक कहानी के महत्वपूर्ण प्रश्न। इस कहानी के महत्वपूर्ण दो प्रश्न हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। अगर किसी बच्चे ने वो नहीं किए हैं तो उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आज हमारे जो प्रश्न हैं उनको देखते हैं। सबसे पहला हमारा क्या है, पहला प्रश्न है, मलबे का मालिक कहानी संकीर्ण सांप्रदायिकता पर एक गहरा व्यंग्य है, स्पष्ट करें। ये आपको बताना है। इस प्रश्न के लिए सबसे पहले आप इसकी भूमिका बनाएंगे। भूमिका में आपको ये बताना है कि कहानी किस लेखक की है। ये मोहन राकेश की कहानी है और इस कहानी में इन्होंने जो विभाजन की त्रासदी, दुख और पीड़ा है उसको इस कहानी में वर्णित किया है। अब हम इसके प्रश्न पर आते हैं कि इस कहानी में संकीर्ण सांप्रदायिकता पर गहरा व्यंग्य है, ये हमें स्पष्ट करना है। तो आप भूमिका के बाद इसका स्टेंजा चेंज करेंगे और बताएंगे कि जब चारों ओर संप्रदाय के नाम पर विचारधारा संकीर्ण हो जाती है तो उससे क्या होता है, वो जीवन के लिए घातक सिद्ध होती है। ऐसी अवस्था में जो अपने विशेष मित्र होते हैं वो भी शत्रु बन जाते हैं, और किस लिए शत्रु बन जाते हैं, लोभ और लालच के कारण। और यही सब चिराग के साथ भी हुआ था। चिराग जो ये जानता है कि रखा पहलवान उसके धर्म का नहीं है, लेकिन फिर भी वो उस पर विश्वास और भरोसा करता है, लेकिन रखा पहलवान धर्म के नाम पर उसके साथ विश्वासघात करता है। वो उसे मुस्लिम समझकर उसको और उसके परिवार को मार देता है, जबकि जो चिराग दिन है वो तो रखा पहलवान का भरोसा करके अपने पिता के साथ पाकिस्तान जाने से भी इनकार कर देता है, लेकिन जो रखा पहलवान है वो उसको धोखा देता है और मकान को हथिया लेता है। लेकिन जो सांप्रदायिकता की चिंगारी है उससे केवल एक चिरागदीन का परिवार ही भस्म नहीं हुआ, बल्कि विश्वास, जो रिश्तों में विश्वास है, मित्रता का विश्वास है, वो भी उसमें भस्म हो गया। और जो लालच का फल है वो रखा पहलवान ने भुगता, क्योंकि उसे मकान भी नहीं मिला। किसी ने लालच में आकर उस मकान को जला दिया, जो शायद रखा पहलवान का कोई शत्रु रहा होगा जिसने कि मकान को जलाया और मकान मलबे का ढेर बन गया। और उस मलबे का मालिक भी रखा पहलवान कहाँ बन पाता है, एक कुत्ता आता है जो भौंककर उसे वहाँ से खदेड़ देता है। तो यहाँ पर पता चलता है कि इस सांप्रदायिक की जो विचारधारा है वो जब संकीर्ण हो जाती है तो वहाँ पर क्लेश, द्वेष या विखंडन की विचारधारा आ जाती है। वहाँ पर भाईचारा समाप्त हो जाता है, सर्वनाश की प्रक्रिया वहाँ शुरू हो जाती है। यही इस कहानी में बताया गया है। इसीलिए इस कहानी का जो अंत है वहाँ पर उस मलबे के ढेर का मालिक रखा पहलवान ना दिखाकर प्रतीक रूप में उस कुत्ते को दिखाया है, जो कि पहले कौवे को वहाँ से खदेड़ता है, फिर रखे पहलवान को खदेड़ता है और वापस आकर मलबे पर बैठकर गुर्राने लगता है। यानी प्रतीक रूप में देखें तो वो कुत्ता उस मलबे का मालिक माना जा सकता है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि इस तरह संप्रदाय को आधार बनाकर, संप्रदाय के प्रति संकीर्ण विचारधारा को अपनाकर कोई भी व्यक्ति, कोई भी समाज जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता या सफलता प्राप्त नहीं कर सकता या फल फूल नहीं सकता, उसे उसका खामियाजा भुगतना ही पड़ता है। यानी सांप्रदायिकता के नाम पर दंगे फसाद से समाज और देश को कभी भी विकास के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। यही बताना इस कहानी का मुख्य उद्देश्य है। इसीलिए हम मान सकते हैं कि इस कहानी में संकीर्ण सांप्रदायिकता पर गहरा व्यंग्य किया गया है। तो इस तरह से आप इस प्रश्न को तैयार करेंगे। दूसरा हमारे पास जो प्रश्न है, रखा पहलवान के चरित्र की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। देखिए, सबसे पहले आप बताएंगे, वही भूमिका बनाएंगे कि ये मोहन राकेश की कहानी है, विभाजन की त्रासदी की कहानी है। इसमें कुछ मुख्य पात्र हैं और कुछ गौण पात्र हैं। मुख्य पात्रों में गनी मियाँ और रखा पहलवान इसमें विशेष रूप से भूमिका निभाते हैं, जिसमें रखा पहलवान के चरित्र की विशेषताएँ निम्नलिखित हैं। इस तरह से आप इसकी भूमिका बनाएंगे और उसके बाद रखा पहलवान के चरित्र की विशेषताएं बताएंगे, जिसमें सबसे पहला पॉइंट क्या बनाएंगे कि आकर्षक व्यक्तित्व। जो रखा पहलवान है उसका व्यक्तित्व आकर्षक है, देखने में सुंदर युवक है, बलिष्ठ शरीर वाला है और बलवान है, और उसे अपनी ताकत पर बहुत ही अहंकार भी है।
दूसरा आप इसमें पॉइंट बना सकते हो व्यक्तित्व के साथ, दूसरा पहला आपने बना दिया व्यक्तित्व का, दूसरा आप बना सकते हो विश्वासघाती। विश्वासघात किससे करता है? चिराग से, क्योंकि चिराग उस पर बहुत भरोसा करता है, लेकिन रखा पहलवान चिराग से विश्वासघात करता है और उसकी हत्या कर देता है। और केवल चिराग की ही हत्या नहीं करता, उसकी पत्नी और उसकी बेटियों को भी मरवा देता है। तीसरा हम मान सकते हैं कि हृदय परिवर्तन। हृदय परिवर्तन कब होता है? देखिए दोनों, दो इसमें हम घटनाएं दे सकते हैं। पहला हृदय परिवर्तन कब होता है? चिराग के मकान को देखकर। जब चिराग वहां रह जाता है उस अपने मकान में, तो रखा पहलवान जो उसका दोस्त बना घूमता था, उसकी नज़र उसके मकान पर रहती है और वो उसका मन बदल जाता है, यानी मित्रता के भाव को वो भूल जाता है और चिराग की हत्या कर देता है मकान के लालच में। दूसरी बार जब गनी मियाँ आते हैं, तो गनी मियाँ की बातों को सुनकर रखा पहलवान आत्मग्लानी का अनुभव करता है, जिससे हमें पता लगता है कि उसके हृदय में कुछ परिवर्तन अवश्य हुआ होगा। तो इस तरह से हम इन पॉइंटों के माध्यम से रखा पहलवान के चरित्र की प्रमुख विशेषताएं बता सकते हैं। ये प्रश्न ऐसी ही उम्मीद की जाती है कि 4 नंबर के लिए ही पूछा जाता है, इससे बड़ा बनाने की हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये जो पहला प्रश्न हमने किया था, ये आप 8 नंबर में भी पूछा जा सकता है और 4 नंबर में भी, दोनों तरह से आप इसे तैयार करेंगे। तो इस तरह से अंत में इसका आप निष्कर्ष ज़रूर लिखें, क्योंकि निष्कर्ष ये बताता है कि आपने अपना क्वेश्चन पूर्ण कर लिया है, उसमें कोई भी बाकी कुछ नहीं बचा, आपका आंसर आपका उत्तर पूर्णता को प्राप्त है। ये आप ज़रूर बताएंगे निष्कर्ष के माध्यम से। तो ये हमारे आज के प्रश्न थे मलबे का मालिक कहानी के, बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप इन्हें बहुत अच्छे से तैयार करिए। पेपर बहुत नज़दीक है, खूब अच्छे से मन लगाकर तैयारी करिए और इसी तरह चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।